फेफड़ों की एक या दोनों थैलियों में जलन पैदा करने वाला संक्रमण निमोनिया है। इस संक्रमण में फेफड़ों की दोनों थैलियों में पानी या मवाद भर सकता है। संक्रमण जानलेवा भी हो सकता है। इस दौरान सांस लेने में समस्या हो सकती है और बुखार, खांसी और ठंड लगने जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अनीता शर्मा और लेकर आई हूँ बातें सेहत वेहत की। सबसे पहले जानते हैं कि निमोनिया क्या है और किसे हो सकता है। असल में निमोनिया विषाणु या जीवाणु के चलते फेफड़ों में होने वाला एक संक्रमण है। ये बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा निमोनिया सूक्ष्मजीव, कुछ दवाओं और अन्य रोगों के संक्रमण से भी हो सकता है। WHO के अनुसार दुनिया भर में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौतों के पीछे निमोनिया एक बड़ी वजह है। अब जानते हैं कि निमोनिया होने का खतरा किसे ज़्यादा होता है। तो निमोनिया किसी को भी हो सकता है। 2 साल या उससे कम उम्र के बच्चों में और 65 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में इसके होने का खतरा ज़्यादा देखा जाता है। अब जब हम निमोनिया के बारे में बात कर ही रहे हैं तो ये जानना भी ज़रूरी है कि निमोनिया के लक्षण क्या होते हैं। तो निमोनिया के सबसे आम और शुरुआती लक्षणों में खांसी को गिना जाता है। इसके बाद इसमें फेफड़ों में दर्द को भी देखा जा सकता है। इसके अलावा मरीज को कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है। असल में निमोनिया होने पर फ्लू जैसे हालात पैदा हो सकते हैं जो धीरे धीरे या फिर तेजी से विकसित हो सकते हैं। रोगी को बलगम वाली खांसी आती है। रोगी को बुखार के साथ साथ पसीना भी हो सकता है। एक और लक्षण जो निमोनिया की ओर इशारा करता है वो है सांस लेने में कठिनाई होना या तेज तेज सांस लेना। अब क्योंकि निमोनिया फेफड़ों से जुड़ा है तो सीने में दर्द होना भी इसका एक लक्षण है। मरीज को बेचैनी महसूस होने लग सकती है, भूख कम लग सकती है और इसी तरह की और समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं जो कि आपके पाचन तंत्र से जुड़ी हों। अब हमने ये जान लिया कि निमोनिया क्या है, निमोनिया किसे हो सकता है और निमोनिया के लक्षण क्या हैं। इसके बाद बात आती है बचाव की कि भाई निमोनिया से बचा कैसे जाए। तो इसके लिए टीके उपलब्ध हैं। इसके अलावा हाइजीन का पालन कर, धूम्रपान से परहेज कर, मजबूत इम्यूनिटी और व्यायाम और स्वस्थ आहार को भी आप निमोनिया से बचाव के उपायों में शामिल कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी और फेफड़ों को मजबूत करने के लिए आहार यानी कि आपकी डाइट बहुत मददगार होती है। तो भाई ये बात तो हमने 2020 में खूब अच्छी तरह से सीख ली है कि इम्यूनिटी और आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो एक चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है बेहतर आहार। तो अगर आप बेहतर आहार लेते हैं तो अपने आप को निमोनिया के खतरों से भी बचा कर रख सकते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे ही आहार जो आपके फेफड़ों को यानी कि लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उसके साथ ही साथ इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे और निमोनिया के खतरे को कम करेंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है साबुत अनाज का यानी कि ग्रेन्स का। क्विनोआ, ब्राउन राइस, जई, जौ, कार्बोहाइड्रेट सामग्री इस दौरान आपके शरीर में ऊर्जा दे सकती है। उनमें मौजूद विटामिन बी ऊर्जा के उत्पादन और शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं। इन अनाजों में मौजूद सेलेनियम खनिज प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। नंबर 2 पर आता है प्रोटीन। प्रोटीन आपकी डाइट में होना ही होना चाहिए, चाहे आपका पर्पस कुछ भी हो। प्रोटीन से भरपूर आहार निमोनिया से पीड़ित लोगों के लिए भी फायदेमंद है। नट्स, बीज, बीन्स, सफ़ेद मांस और ठंडे पानी की मछलियों जैसे कि सैमन और सार्डिन जैसे खाद्य पदार्थों में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये क्षतिग्रस्त उत्तकों की मरम्मत यानी कि फेफड़ों के उन टिश्यूज़ की मरम्मत कर सकता है जिनमें कोई डैमेज हुआ है और शरीर में नए उत्तकों यानी कि नए टिश्यूज़ के निर्माण में भी हेल्प कर सकता है। अगर आप निमोनिया से पीड़ित हैं तो बहुत सारे तरल पदार्थ पीने की सलाह दी जाती है। ना सिर्फ पानी बल्कि जूस जैसे अन्य तरल पदार्थ भी फेफड़ों में बलगम को ढीला करने में मदद कर सकते हैं। ये हानिकारक विषाक्त पदार्थों यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में और श्वास पथ यानी कि आपकी सांस लेने की जो नली है, जो रास्ता है जिससे आप सांस लेते हैं, इसमें पैदा हुई रुकावटों और बाहरी कण जो उसमें आ चुके हैं उनसे छुटकारा पाने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। पत्तेदार सब्जियां जैसे केल, लेट्यूज, पालक पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। वो इस संक्रमण को ठीक करने में और साथ ही साथ निमोनिया से लड़ने में भी आपकी मदद कर सकती हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो संक्रामक एजेंटों के खिलाफ शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन सी,
2020 में आपने ये भी खूब सुना होगा कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अपनी डाइट में विटामिन सी को शामिल करें। विटामिन सी आप खट्टे फल जैसे संतरा, जामुन, कीवी से प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करते हैं। प्रोबायोटिक्स, दही जैसे खाद्य पदार्थों में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि निमोनिया पैदा करने वाले रोगजनक के विकास को रोकते हैं। यानी कि निमोनिया पैदा होने की जो वजह हो सकती है उन्हें प्रोबायोटिक्स पहले ही ख़त्म कर सकते हैं। हल्दी, हल्दी एक म्यूकोलाइटिक के रूप में काम करती है, जिसका मतलब ये है कि ब्रोंकाइटिस, नलिकाओं में बलगम और पित्त को हटाने में ये मदद कर सकती है, जिससे आप सांस लेने में आसानी महसूस करेंगे। यहाँ तक कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सीने में दर्द को कम करते हैं। इसका सेवन दूध के साथ या चाय के रूप में किया जा सकता है। तो ये थी निमोनिया और उससे बचाव के कुछ उपाय जो हमने आपसे साझा किए। आपको हमारी ये जानकारी और हमारे वीडियोस कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी और विषय पर भी हमसे वीडियोस चाहते हैं या डॉक्टरी सलाह चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।